अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो थोड़ी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज फिर वर्कशॉप बंद की थी कोरोना की वजह से, नहीं खोल सके आज भी, तो फिर सोए रहा हूँ और फिर लेट उठा हूँ। तो अभी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज अभी तो मैं घर ही हूँ, तो आज गाड़ी भी कोई नहीं है पास के, बाहर निकल के कोई वीडियो बना लूँ तो अभी घर ही वीडियो बनाते हैं। तो आज के कोई खास प्लान्स तो नहीं है। तो मेरा प्ले स्टेशन था तो वो चलते हुए काफ़ी उसके फ़ैन की आवाज़ आ रही है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ी इंटरनेट से सर्च की थी। तो उसका फ़ैन कहते हैं कि जब फिल्थी हो जाए, गंदा हो जाए काफ़ी, तो उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा आवाज़ करता है। तो आज यही है कि उसको खोल के तो उसको साफ़ करते हैं और देखते हैं कि वो ठीक होता है कि नहीं। तो मैं ले के आता हूँ प्ले स्टेशन, तो फिर उसको खोलते हैं आपके सामने और उसकी सफाई करते हैं। तो प्ले स्टेशन मैं ले आया हूँ, तो इसको साफ करने के लिए हमें WD-40, एक टूथ ब्रश और एक ये पेंट ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ टिशू पेपर और माइक्रोफाइबर कॉटन को हम इस्तेमाल करके इसकी सफाई करेंगे। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ आप लोगों के सामने और फिर आप लोग इसको देखिएगा, शायद आप लोगों के काम भी आती है ये भी। इनको खोलने के लिए इसके फ्रंट वाली साइड पे ये दो प्लम्सर लगे होते हैं, तो इनको इस तरह पॉप अप करना है। जब ये खुल जाए तो इसको स्लाइटली बैक की तरफ स्लाइड कर, ये खुल जाएगा। ये देखिए इसमें काफ़ी डस्ट है, इधर फैन के पास से नहीं और इसके वेंट्स के पास भी काफ़ी डस्ट है। अभी मैं इसका फैन भी आपको दिखाता हूँ, ये वाइट हो गया है अंदर से सारा डस्ट की वजह से। इसको अभी मैं साफ करता हूँ तो फिर आपके साथ इसकी फाइनल वीडियो आपको बताता हूँ कि क्या निकल गया इसका। तो ये हमारा प्ले स्टेशन साफ हो चुका है। इसके ब्लेड में इसके फैन के पिन के अंदर जो डस्ट थी वो बहुत ही अच्छी से साफ हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये साफ हो चुका है। तो अब इसको मैं दोबारा जोड़ूंगा और उसके बाद फिर इसको टेस्ट करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह अब ये ठीक चलेगा। जी हमारा प्ले स्टेशन जुड़ चुका है, तो ये काफ़ी नया नया लग रहा है, सफाई की है इसकी सारी अंदर से भी और बाहर से भी। तो अभी इसको मैं जाके चलाऊंगा और फिर देखूंगा कि जिस प्रॉब्लम के लिए इसको खोला था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि नहीं, तो फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा क्या इसका। मैं तोते को लेके आया था छत पे मिठू को, नहीं थे काफ़ी शोर डाला हुआ था, तो सारे तकरीबन सोए हुए थे, तो ये सोने नहीं था दे रहा, तो इसको मैं निकाल के बाहर ले आया था ऊपर। तो अभी ये परिंदों की दूसरों की आवाज़ें सुन के तो ये परेशान हो रहा कि मैं किधर आ गया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं मिठू को नीचे छोड़ के आया हूँ, आगे उसको ऊपर लेके आया हुआ था, तो वो मैंने आपको बताया नहीं था, वो प्ले स्टेशन का फ़ैन साफ करके मैंने उसको इस्तेमाल किया था, तो अभी उसका ठीक हो गया आवाज़ ना, अभी ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा फ़ैन, वैसे भी उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक हो गई है, काफ़ी हीट हो जाता था, अभी वो हीट भी नहीं हो रहा। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं उसके साथ, तो आप लोग भी उसकी सफाई करिएगा, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं ऊपर हूँ, अभी रोज़ा खुलने में है तकरीबन घंटा सवा घंटा, तो अभी आपको मैं ऊपर ममटी पर चढ़ के मैं तो सारा व्यू दिखाता हूँ। अगर ऊपर ममटी पर आ गया हूँ तो ये सामने गवर्नमेंट स्कूल है, इसके साथ ही एक तालाब है जो सिखों के इस्तेमाल में था किसी ज़माने में। इधर सामने एक गुरुद्वारा भी है, वो तो अभी सिखों के पास है, लेकिन ये तालाब अब वो नहीं यूज़ करते, इसलिए ये अभी गंदा इसमें पानी जमा हो गया हुआ है, पहले ये सिखों के इस्तेमाल में था। अभी जो गुरुद्वारा है वो काफ़ी चल रहा है, उधर काफ़ी सिख वगैरह आते हैं, तो वो अपने इबादत वगैरह जो भी है वो करते हैं उधर। इसके अलावा ये
बैक साइड पे बिल्डिंग्स अब बन गई हुई हैं, पहले बिल्डिंग्स नहीं थी जब, तो पीछे कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ना पहाड़ नज़र आते थे। अभी भी कभी कभी आते हैं लेकिन बहुत कम, जब कभी मौसम बहुत साफ हो तो फिर नज़र आते हैं। तो ये साइड पे ग्राउंड है, इसमें बहुत से दरख्त लगे हुए हैं, इसकी वजह से काफ़ी खुशगवार रहता है मौसम। ये इस साइड पे, ये सामने आपको ये मीनार सा एक नज़र आ रहा होगा, ये हिंदुओं का मंदिर है, इसको गौशाला के नाम से ये मशहूर है। तो किसी दिन मैं उधर जाके वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी लोग जो हैं काइटें उड़ा रहे हैं, लेकिन अभी पाबंदी है, लोग फिर भी नहीं बाज आते, हल पुलिस वाले आके इनको। तो आप लोगों ने देखा हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, तो अभी मैं इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करूँगा। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तो इंशाल्लाह कल वर्कशॉप खोलेंगे। तो बस यही दुआ अल्लाह से कि जल्द से जल्द ये वायरस ख़त्म हो जाए और तमाम कारोबार जो हैं वो अपनी रूटीन के मुताबिक चलने लग पड़े। तो अभी आजकल तो बड़ी परेशानी बनी हुई है क्योंकि वायरस की वजह से कारोबार कोई भी नहीं चल रहे। तो बस ये अल्लाह से दुआ है, अल्लाह जल्द से जल्द इसको बेहतर कर दे। तो इसी नोट के साथ फिर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अपना, अपने दोस्तों का, गिरदोनुमा के लोगों का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। Thank you.